ये हो गए 4-5 साल से ऐसे ही पड़ी हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बच्चों को आते हुए दिक्कत होती है। कितने भी हो चुके 4-5 साल में, कितने गिने आ जाए, किस किस के स्टूडेंट गिनाए जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाली अपने हाथ सब लोग सफा करती है, ठीक, कर्मचारी बने हैं नाली सफा करने वाले, क्यों नहीं आते हैं, ये प्रधान की जिम्मेदारी है। कोई यहाँ साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आता, सब लोग अपने हाथ से सफा करती है। के पास ही आता है कोई भी अधिकारी या कोई भी विकास आता है तो मेन मुखिया के पास ही आता है, अब वो करवाता ही नहीं। अब ये 6 गांव का हमारा ग्राम पंचायत सरवरा लगता है और इसमें जो है अगर मेन मुखिया ही वर्क नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा। और वो कहीं सीधे यही बोलता है कि मेरे जो है उसमें मतलब मेरे उसमें कुछ पैसा ही नहीं आता तो मैं कहाँ से कराऊँ। सरकार स्मार्ट सिटी का दावा करती है कि लखनऊ को उसने स्मार्ट सिटी बना दिया है, लेकिन कई सारे ऐसे गांव हैं जो लखनऊ से मिले हुए हैं जहां पर हालत इतनी बद से बदतर है सड़कों की, और ज़रा सा बारिश होते ही उन सारे दावों की पोल खुल गई है जो सरकार आए दिन करती है। भूड़पुरवा गांव में हैं हम लोग इस वक्त यहां मौजूद, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी समस्या बताएंगे इस रोड को लेकर, क्योंकि यहाँ रोड सारी ही रोडों की स्थिति काफ़ी बेकार है। यहीं के रहने वाले ये रोड कब से इस तरह से पड़ी? ये हो गई 4-5 साल से ऐसे ही पड़ी हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बच्चों को आते हुए दिक्कत होती है। आप लोग ने ये नहीं कहा कि किसी से एप्लीकेशन यहाँ पर एप्लीकेशन डाली जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कई चक्कर एप्लीकेशन डाली गई कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहाँ से क्या किया जाए। क्या क्या दिक्कतें आती है? दिक्कत आती रोड पे निकासी, दिक्कत होती गाड़ियाँ चलती है, कोई भी स्लिप मार गई कोई भी चोट लग जा सकती है, हर आदमी हाई दिन स्टूडेंट होता है इस पे स्लिप के चक्कर हो जाती है, गाड़ी जा रही है स्लिप कर गई, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई स्टूडेंट नहीं कितने भी हो चुके 4-5 साल में, कितने गिने आ जाए, किस किस के स्टूडेंट गिनाए जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? दिलीप कुमार। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ रोड गाँव की सब खुद ही पड़ी है, ठीक, पानी भरा है, बच्चे नहाने जाने में दिक्कत होती है, यहाँ प्रधान को सुनता ही नहीं है, कम से कम प्रधान 6 गांवन के रहा पा तो गांव में आना तो चाहिए। नाली अपने हाथ सब लोग सफा करती है, ठीक, कर्मचारी बने हैं नाली सफा करने वाले, क्यों नहीं आते हैं, ये प्रधान की जिम्मेदारी है। कोई यहाँ साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आता, सब लोग अपने हाथे सफा करती है। क्या नाम है आपका? सोनू। यही रहते हैं आप? जी। क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर रोड के अलावा, और क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे? रोड से जा रहे थे जतने कॉलेज के, यहाँ डॉक्टर मुरली लाल स्कूल है, यहाँ से सब बच्चे जाते हैं तो यहाँ ही समझो जा ही नहीं पाते आगे, कहते कि रास्ता एकदम सही नहीं हो रहा, कई सालों से इसी तरह रास्ता ऐसे ही पड़ा हुआ है, सड़क खुदी हुई है, खुदी हुई पड़ी, इसकी कोई सुनवाई ही नहीं। लाइन से मार्केट है और हम जानेंगे इनसे कि क्या कुछ दिक्कत आती है। क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश, आपकी शॉप ऐसे खड़ंजी के एकदम सामने ही है तो आपको क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? माल आने में दिक्कत होती है, कस्टमर आने में दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इसी वजह से। अभी सिर्फ ये 1 घंटे की बारिश में ऐसा हुआ है, है ना, और जब बरसात आती है तब क्या हालात? तब तो बहुत हालात खराब रहते हैं, यहाँ आदमी का चलना मुश्किल हो जाता है। ये कितने साल से ऐसे ही ये हो गया होगा? 4-5 साल से तो ऐसा हम खुद देख रहे हैं जब से हम शॉप अपनी डाले। क्या नाम है आपका? मदन। क्या करते हैं? किसानी। सब आप लोग सब किसान हैं यहाँ पर? जी। तो आप लोगों की क्या मेन दिक्कत है? ये जो रोड है ये सड़क खुदी हुई है, कब से पड़ी हुई है, और क्या मुद्दे हैं? अरे इसको 4-5 साल हुए हैं पड़े, उसके रोड तो रोड है, बाकी जो है हमारे लोगों के घर जाने की रास्ता नहीं है, गांव के अंदर का सब पूरा रास्ता खड़ंजा बाकायदा खुदा हुआ पड़ा, पानी सब भरा है, ना बच्चे निकल पाते हैं, बड़े बच्चे क्या बड़े भी नहीं निकल पाते हैं। तो किस तरह से कैसे आप लोग आते जाते हैं? आते जाते से जो है चेहले में मजा करके निकलते हैं, पानी में घुस घुस करके निकलते हैं, कोई गिरता है कोई निकलता है। मेरा नाम अमर सिंह लोधी है, इसमें ग्राम पंचायत में 6 गांव आते हैं, यहाँ चलिए मान लिया रोड पीछे से बन नहीं है, आज हमारी विधायक जी से भी बात हुई है, हमारे साथ ये भी थे, कई लोग थे, विधायक जी से बात हुई है, रोड बन नहीं है, लेकिन समस्या मूल बहुत समस्या है गांव के अंदर की, जो आज तक कोई निस्तारण नहीं। क्या समस्या है गांव में? समस्या जैसे नाली देखिए आप भरी है, गाँव में खड़ंजा खुदे पड़े हैं, अब बच्चे स्कूल जाते हैं,
चहले में निकल कर जाते हैं, वो गिर गए फिर लौट गए, समय खराब हुआ, बच्चे का भविष्य बेकार होगा। यह जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत प्रतिनिधि की। कोई प्रधान सुनवाई नहीं करता क्या? यहाँ कौन सुनवाई करता है? ना प्रधान सुनवाई करता है, ना कोई करता है। मैं बुराई किसी की नहीं करता हूँ, लेकिन बात यह है कि मेन ग्राम पंचायत का मुखिया ही जब आगे बढ़ेगा तभी विकास संभव होगा। कौन है मुखिया का नाम क्या है? मुखिया का नाम आप इन्हीं से पूछे हम क्यों? प्रधान बताओ ना, जब बाबूलाल नाम है तो बताओ। बाबूलाल प्रधान है प्रेजेंट टाइम पे, जो पुराना प्रधान था उसने जो कराया तो कराया, उसने विकास कराया है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं कराया। अभी कोई काम नहीं हो रहा है? अभी कोई काम नहीं हुआ, उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, बगल में खालेपुरवा है उसमें आप भी जा सकती हैं, गाँव में वो है। वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की क्या स्थिति है? इससे बदतर है, इस गांव से भी बदतर है। खालेपुरवा है, भूलपुरवा है, रपरा है, आपका सरौरा है, खटैया है, राजापुरवा, छह गांव आते हैं। मतलब सब मिलाकर यहाँ जितने भी गांव हैं उन सबकी स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय स्थिति। तो लोग, आप लोग कहीं जाकर एप्लीकेशन नहीं देते, किसी से बात नहीं करते इस बारे में? बात करते हैं, जैसे देखिए हर विभाग का हर कर्मचारी उसी उसी की मदद करता है, कोई हो डिपार्टमेंट का वो उसी का करेगा, उसको ये नहीं दिखेगा। क्या क्या, क्या 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 नाम है भैया आपका? अनिल कुमार वर्मा। क्या कह रहे हैं आप? मैम ये बता रहे हैं, जैसे मान लिया यहाँ का छः मौजे का प्रधान है बाबूलाल लोधी जो है, और कोई भी विकास या आता है तो मेन मुखिया के पास ही आता है, कोई भी अधिकारी या कोई भी विकास आता है तो मेन मुखिया के पास ही आता है, अब वो करवाता ही नहीं। अब ये छः गाँव का हमारा ग्राम पंचायत सरौरा लगता है, और इसमें जो है अगर मेन मुखिया ही वर्क नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? अब वो सीधे यही बोलता है कि मेरे जो है उसमें मतलब मेरे उसमें कुछ पैसा ही नहीं आता, तो मैं कहाँ से कराऊँ? ऐसा कौन है? हम तो देखते हैं हर ग्राम पंचायतों में बम्पर विकास हो रहा है, कौन कहता है सरकार पैसा नहीं देती? आप जब आगे बढ़ेंगे तभी सरकार आपकी सुनेगी। यही सीधे बोलते हैं मेरे पास बजट ही नहीं है तो मैं कहाँ से करवा दूँ जब बजट आएगा। अच्छा, वो ग्राम पंचायत जो मुखिया हैं यहाँ के, वो बोलते हैं कि उनको बजट नहीं मिल पा रहा है, सरकार की तरफ से उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से ग्राम का विकास नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ के लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं, और साफ तौर पर ये मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुखिया का ये मानना है कि सरकार की तरफ से उनको पैसा नहीं मिल रहा, जिसके वजह से वो विकास गाँव का नहीं करवा पा रहे हैं। देखना ये वाली बात ये होगी कि कब तक सरकार इस पर विचार करती है और कब तक इस पर सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।